दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। अभी मैं विक्रमगंज में हूं और जो कि काराकाट विधानसभा काराकाट लोकसभा पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये 10 साल से अस्तित्व में आया है। पहले ये जो है काराकाट जो है वही पहले विक्रमगंज था, लेकिन बाद में परिसीमन में ये जो है लोकसभा जो है आया है। वहाँ कुछ लोग हैं धामा गांव में, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी रण का जो है महा हो चुका है। और हम चाहेंगे कि आप लोग बताएं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है और आप किसको वोट करेंगे और किस एक इशू होना चाहिए, किस इशू पर आप वोट करेंगे। विकास पे मेरा प्रस्तुत मुद्दा है या गांव का क्षेत्र का पूरा मुद्दा है विकास का, क्योंकि विकास के लिए हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी को पिछले 2019 में वोटिंग किया, पर वो हमारे विश्वास पे खड़े नहीं उतरे, कभी आए नहीं। बहुत सारे लोग तो उनका चेहरा भी नहीं जानते हैं, वो सेंट्रल के मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए कुछ लोग बैनर वगैरह पे, मैगजीन में, पेपर में उनका चेहरा देखे हैं, ऐसे उनका चेहरा भी किसी को पता नहीं है। और वो डोर टू डोर कभी आज तक विजिट किए नहीं, कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं। इसलिए इस बार हम लोग पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। वी ऑल आर लाइक मोदी बट नॉट उपेंद्र कुशवाहा। जैसे जीतने के बाद जो है क्षेत्र में आना अपनापन टाइप का, या मतलब लोगों की समस्याओं के बीच वो खड़े नहीं उतरे। सर, आज़ादी के बाद भी हमारे जो काराकाट लोकसभा है, इसका ये इतिहास रहा है कि आज़ादी के बाद अभी तक यहाँ कोई भी क्षेत्रीय नेता यहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार नहीं बने। जो भी बने यहाँ कोई काम नहीं किए और यहाँ का जो फंडिंग है वो अपने क्षेत्र में उठा के ले जाते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा इतने ही टैलेंटेड रहते और इतने ही उनको पब्लिक लाइक करती तो वो अपने महनार क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ते हैं? वो वैशाली जिले के हैं और आते हैं काराकाट में। और मोदी जी गलती ये किए हैं कि उनको एक सीट था, अरे इनको उठा करके लोकसभा से राज्यसभा से ले जा करके मिनिस्टर बनाते जैसे पिछले बार बनाए थे। ये तो अभी लोकसभा में है, हो सकता है कि चुनाव जीते और फिर इंडिया गठबंधन में चले जाए, कोई गारंटी तो है नहीं इनका। पिछले बार भी यही सेम पीस किए। तो वन मैन अगर पार्टी है तो वन मैन पार्टी पे ये खड़ा नहीं उतर रहे हैं। और मैं मोदी जी से एक चीज और अपील करूंगा, ये कि कुछ चीजें जो उन्होंने अच्छा किया लेकिन कुछ बुराइयां हैं जो कुरीतियां हैं पॉलिटिक्स में, उसको दूर करें। जैसे अदर विभाग की जितनी भी पेंशन की पॉलिसी थी आपने उसको क्लोज कर दिया। एक व्यक्ति नेता अगर 5 साल के लिए सांसद विधायक बनता है तो आप उसको आवास निवास और पेंशन की सारी फैसिलिटी करते हैं, ये तो दोहरापन हुआ, या तो देहाती लैंग्वेज में कहा जाता है दोगलापन हुआ। जो व्यक्ति 30 साल जॉब करता है आप उसका पेंशन बंद करते हैं, और जो व्यक्ति 5 साल के लिए जाता है आप उसको पेंशनेबल करते हैं। और यही नहीं है, एक बार जीता अगला बार जीतता है तो दोनों पेंशन लेता है, ये क्यों बेनिफिट है? ये मोदी जी को इस कुरीति को निकालना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। और सब कुछ और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक वीडियो वायरल हुआ था और फोटो भी वायरल हुई थी, पवन सिंह को देखा गया कि नोखा के हॉस्पिटल में और विक्रमगंज के हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट ही हॉस्पिटल था, उसमें जाके मरीजों से मिल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वो अपना समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना उनके देखिए सर जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, 3-4 चीज़ों पे एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है। फर्स्ट संगीत, दूसरा स्पोर्ट, ये सब चीज़ों पे मायने नहीं रखता है। ये करुणा निधि होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं कलाकार हैं ये ममता मई होते हैं। इनको सिर्फ चुनाव इनका मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक का दुख हरने वाले होते हैं। इसलिए हम लोग टोटल पवन सिंह को लाइक कर रहे हैं। पवन सिंह वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ काराकाट लोकसभा, इसलिए उनके साथ सारा हुजूम है। हम लोग पवन सिंह को लाइक करते हैं, उनके लिए हमें जितना भी जरूरत होगा हम लोग तन मन धन से खड़ा हैं और उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूथ है, उनके पे हम लोग को विश्वास है। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, ना कि उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो फिल्म बनाते हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, और जैसे ही मतलब कुछ डिसबैलेंस होगा तो वो महाराष्ट्र चले जाएंगे, वहाँ कौन जाएगा, बॉम्बे कौन जाएगा, इस तरीके का। ये बिल्कुल सही आपने जो क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन उस व्यक्ति से ये पूछा जाए जो लोग कहते हैं कि पवन सिंह आज नेम फेम और आज इस चुनाव में एक्टर नहीं बने हैं,
पवन सिंह का इतिहास एक्टिंग से हो या सिंगिंग से हो, वो पिछले 15 सालों से है। तो 15 सालों में तो कभी बॉम्बे जाकर शिफ्ट नहीं किया, कभी जाकर के लखनऊ नहीं शिफ्ट नहीं किया, जबकि उनका रेसिडेंस है। लेकिन वो ज़्यादा अपना समय देते हैं, अपने क्षेत्र में ही देते हैं, इसलिए हम लोगों को उन पर विश्वास है। और पवन सिंह को हम लोग तहे दिल से मतलब दुआ दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ये 4 जून आए और हम लोग उनका विजय पताका लेकर करके और घूमें और उनको सेलिब्रेट करें। क्लियर कट, पवन सिंह। पवन सिंह के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और 1 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को मतगणना है, और उसमें क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह पवन सिंह है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।